अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और बज रहे हैं 4:30। देखिए कितने प्यारे 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 से पेड़ लग रहे हैं, कितने साफ साफ। इस वजह पानी पड़ जाता है और पानी लोग पाइप से अक्सर ही ऊपर धोते भी हैं पत्तियाँ इसकी सब, तो बहुत जी बेटा बहुत ही साफ खिले खिले से एकदम लगते हैं माशाल्लाह से। और जो इसमें अम्मी ने बोया था धनिया, तो वो छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन। ये देखिए थोड़ा थोड़ा से ये निकलना शुरू हो गया, यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए ये सब। और बस यहाँ पे हो रहा है चाय का टाइम। अदीबा बना रही है शाम की चाय और आज हम लोगों का प्लान है एक प्रैंक करने का। तो ये एक प्रैंक वीडियो है, तो बस कि ये सक्सेस हो जाए। यहाँ पे बन रही है माइक्रोनी और प्रैंक हम लोग करेंगे सैमा पी के साथ, क्योंकि और पहली बार हम लोग ये प्रैंक करेंगे, बस कामयाब हो जाए, क्योंकि हम लोग का प्रैंक जो है फ्लॉप नहीं होना चाहिए। तो बस अभी वो है नहीं, वो है रूम में और मैं उनसे बनाया व्लॉग बना रही हूँ। प्रैंक ये है कि वो जब से आई हैं उन्होंने अभी तक कोई भी चीज़ बना के नहीं खिलाई है, किसी मतलब कुछ बनाया ही नहीं। बस एक दिन एक चाय बनाई थी, हम लोग चाह रहे हैं कुछ बना के खिलाए, कोई नई डिश बनाए या खाना ही बना के कुछ भी बना के खिलाए। हाँ, और अम्मी की परसों से तबीयत खराब, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था अम्मी के फीवर आ रहा है। तो कुकिंग जो है अदीबा करे या हम करें, तो आज हम दोनों का प्लान है कि हम दोनों बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करेंगे। तो इनके साथ यही हम लोगों को एक प्रैंक करना है और हम लोग एक छोटा सा बताएंगे कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम आई हो और फिर चली जाओगी, यहाँ रहती नहीं हो, तो एक छोटा सा सरप्राइज़ हम हमारे और अदीबा की तरफ से है। और बस उसी की थोड़ी सी तैयारी करनी है। ये अभी चाय पी के चली जाएंगी नीचे, नीचे सबके साथ बैठी उतनी देर में हम लोग को फटाफट तैयारियाँ करनी, क्योंकि ज़्यादा तैयारी कुछ कर नहीं पाएंगे। अली बिलाल तो है नहीं कि और बाहर से कोई चीज़ें मंगा सके, तो बस जो भी करना है छोटा मोटा घर ही पे ऐसे करना है, इनको बेवकूफ़ बनाना है। तो बस प्रैंक हम लोग का कामयाब हो जाए, देखते हैं। तो बस ये चाय वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर कमरे में जाके थोड़ा सा जो हम लोगों को तैयार करना है वो जैसे जैसा आगे का वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, आप लोग देखते जाएंगे। यहाँ पर आ गई है सबकी चाय और माइक्रोनी, और ये बैठी है सैमा भाई, और ये बैठा है भाई मुस्तफा। अब हम आ गए हैं इस रूम में और सैमा चली गई है नीचे, चाय वगैरह सब हो चुका था। अदीबा अदीबा ये सैमा का ये वाला लगेज खोलो जिसमें उसके कपड़े वगैरह रखे हैं, उसको खोलो खोलो, इसको इस पे रख लो, इनका लगेज निकालो। कोई पार्टी वेयर कपड़ा लाई है? नहीं नहीं नहीं, उसने कहा है कि तो वो तुम लोग सरप्राइज दे रहे हो तो तुम लोग अपनी पसंद से कोई भी कपड़ा। वो नीचे चली गई है तो जल्दी जल्दी सारा काम करना है ना, कि वो ज़्यादा ये प्रैंक की गहराई में जा ना पाए, समझ ना पाए कुछ। और हमने पता क्या बोला था? हाँ, बोला कि आप नीचे जाइए, हम लोग को रूम डेकोरेट करना है, सजाना जाना है। तो हम लोग को पता है करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इतना गंदा प्रैंक इनके साथ करना है ना, कि ना ही कोई जो सरप्राइज इनको दिया है, कुछ भी नहीं करना है। रूम की हालत आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगी, जो क्लीन है उसको और गंदा कर देना हम लोगों को। वाह यार, हाँ और भी है कोई? हाँ ये लाइट थोड़ा सा ऐसा है ना, पर बहुत ही प्यारा ये कुर्ता लग रहा है। हाँ वाह, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, थोड़ा उनको लगे भी कि हाँ शायद सरप्राइज बहुत अच्छा दे रही हैं लोग, हमारी बहन हमको सरप्राइज। वाह वाह, हाँ तो बस ये, हाँ अभी न्यू है ना, ये निकाल दो इनका और थोड़े से बैंगल्स वगैरह निकाल दो इनका, सब करके रख दो। ये जब नीचे से आएंगे तो इनको बस इसी रूम में रखना है ताकि इसी रूम में ये तैयार हों। कितना बुरा लगेगा, मैं तो सोच सोच के अभी से हंसी आ रही है। तो कपड़ा तो उनका निकल चुका है और ये शाम के तकरीबन 5:30 बजने वाले हैं, और डिनर तो वैसे भी लेट ही बनता है क्योंकि शाम को भी आपने देखा सब माइक्रोनी वगैरह खा चुके हैं। तो कोशिश हम लोगों की यही है कि डिनर ये ही बनाएंगी। और ये इनका बैग वगैरह हम लोगों ने रख दिया है, और ये इनका मेकअप किट जो है वो भी इसी पर रख दे रहे हैं, और इनके दोनों किड हैं वो भी इसे पे निकाल के रख दिया। अभी बैंगल्स अम्मी की तो पहनती नहीं, क्योंकि ये गोल्ड पहनती है तो गोल्ड तो सब रखा हुआ, तो वो इसे मैचिंग इससे अगर कोई हो तो ला के रख दो। ये भी एक बैग है क्योंकि ये बिलाल इसमें बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लाया था, तो ये ऐसे पड़ा हुआ है, और इसमें पैकिंग के लिए ये भी है। तो इसमें अदीबा भी कुछ करके देंगे उनको गिफ्ट। जी बेटा, और ये है लग रही है बैंगल्स थोड़ा, हाँ दो तीन कलर की, हाँ ये मैच की है, मैंने दो निकाली जो, और इसमें किस कलर की?
ये तो मरून है। हाँ तो चलो उसको जो पहनना होगा वो पहन ले, ऐसे करके दोनों हाँ रख दो, अभी वो नीचे ही है ना। हाँ अभी नीचे भागी नीचे। चलो झटपट हम लोग चलते कैमरा वगैरह वहाँ पे सेट कर देते हैं। और हम लोग आ गए हैं इस रूम में, और ये रूम की आप हालत देख लीजिए, कोई भी डेकोरेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं कैमरा सेट करने के लिए। तो अदीबा कैमरे की सबसे बढ़िया जगह ये है, हाँ, है। उसको ऐसा ना लगे कि हम लोग उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से कैमरा, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं रूम में, और यहाँ पे हो रहा है गिफ्ट पैक। सैयदा सैयदा सैमा खाला कहाँ है? नीचे नीचे। अच्छा ठीक है, पर आपको कुछ बोलना नहीं है सैमा खाला से, ठीक है? उनकी एक सरप्राइज पार्टी है, ठीक है? और ये गिफ्ट है जो सैमा के लिए, इसमें अदीबा की तरफ से है, और ये पैक हो रहा है, ये मेरी तरफ से है। ये बॉक्स मिल गया था घर में, तो जो हम लोग उसको गिफ्ट देंगे। जी बेटा एक मिनट, बस अदीबा ये गिफ्ट पैक कर लें, उसके बाद बस नमाज का टाइम हो रहा है, हो जाए तो उसको नीचे से बुलाते हैं और वो आएगी। जब तक उसको तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे हंसी बहुत आ रही है और डर भी लग रहा है, पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा, पर मज़ा बहुत आने वाला है। और आप लोग के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि पहली बार हम लोग कर भी रहे हैं, तो डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। कहाँ है कहाँ है? अच्छा उसको ये नहीं पता चलना चाहिए ना कि हम लोग ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं। और थोड़ा सा मैं कैमरे से बनाऊंगी, उसको बताऊंगी कि ये फैज़ भाई लोगों के भेजने के लिए बनाएंगे, तुम कितनी प्यारी लगोगी फ्रॉक पहन के, है ना? उसको पता नहीं चलना चाहिए। बस गाइस सैमा आ चुकी है, वो इस रूम में आ रही है तैयार होने, वो बहुत ज़्यादा खुश है सरप्राइज के लिए, बाद में सॉरी बोल दूंगी। और मैं इस रूम से आपको चुपचाप दिखा रही हूँ सैमा, देखिए इस रूम में ये बैठी है, और वो अम्मी का अब्बा का पैर दबा रही है, ज़्यादा आगे नहीं जा सकती वरना उसकी नज़र पड़ जाएगी। और बस आ गए हैं इस रूम में, देखिए गिफ्ट्स वगैरह रखा है, और सैमा को लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है, और सैमा को लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई है। पर पता नहीं यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, जो मोबाइल हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया था कैमरा, वो यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मिरर है, इस पर स्लिप हुआ जा रहा है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये अदीबा रहेगी इस रूम में, और अदीबा यहाँ पे ये कर्टन के पीछे रहेगी, जो इधर डोर है यहाँ पे अदीबा मोबाइल लेके रहेगी, यहाँ से अदीबा सारा शूट करेगी। तो बस सैमा तैयार हो गई, थोड़ा सा मेकअप कर रही है, तो बस हम लोग हाँ तो मोबाइल पर्दे के पीछे लेके रहो ना, हल्का सा वो कैमरास को देखो, उसको पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अभी लाइट ऑफ रहेगी। और बस अब टाइम आ चुका है हम लोगों को प्रैंक करने का, सैमा बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और उसको हम लोगों ने बताया कि व्लॉग नहीं बन रहा है क्योंकि प्रैंक कर रहे हैं ना, पर उसको बताया कि कैमरे से हम लोग तुम्हारा थोड़ा सा वीडियो जो है शूट करेंगे, क्योंकि फैज़ भाई को तुम्हारी थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह और ये सब भेजेंगे, तो बस थोड़ा सा उसको कैमरा दिखा सकते हैं हम लोग। तो बस चलते हैं अब। बहुत प्यारा, मेरी बेटी ने बहुत हेल्प की है मम्मा जी। क्या है सैयदा, बता सकती है? कब पता चलेगा? बस हम लोग ले चल रहे हैं सैमा को स्कूल में, थोड़ा सा इसका फोटो वगैरह भी करेंगे क्योंकि फैज़ भाई को भेजना है। चलिए मुस्तफ़ा खाला को लेके चलिए सप्लाइज के लिए। और बस हम लोग आ चुके हैं सैमा को लेके इस रूम में, जिसके रूम में हम लोगों ने इसके लिए सरप्राइज रखा हुआ है। तो अब 1, 2, 2 and 3 लाइट ऑन। सरप्राइज है ये, बहुत प्यारा सरप्राइज है, बहुत क्या है ये? हम लोग डेकोरेशन बहुत ज्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ सामान भी नहीं मिल रहा था। ये मेरे बेटे, पहले मेरे बेटे वाला गिफ्ट है ये, तक ये यहाँ है भाई। मुस्तफा दीजिए काका को, पैंपर वहाँ पड़ा है, ये कैसा सरप्राइज है? मुस्तफा काका को दीजिए, काका को ये दीजिए फ्लावर। थैंक यू। तो अभी आप वाला गिफ्ट पहले खोलो। तो बस ये किसने दिया है सैयद? ये मेरी तरफ से है, मम्मा ने दिया है ये, बहुत और ये मेरे तरफ से भी है। ये किस लिए है ये सरप्राइज? खोल के देखिए। और ये खुलने वाला है ये क्या उल्लू बना दिया? ये क्या है? क्या है? पढ़ने तो दो पहले। आज का खाना तुम ही बनाओगी फैज भाई। ये क्या हुआ? कितना पोपट बनाया मेरा आंटी, आपका ये वाला टॉपा अलग है। चलिए अब इसमें सच में है, इसमें रियल नहीं भाई। अब अरे देखिए बॉक्स है, गिफ्ट खोलने में डर लग रहा है सैयद। नहीं ये बहुत प्यारा है, हमको तैयार क्यों करवाया? क्योंकि आपको गिफ्ट खोलना है। ये बहुत प्यारा दीमा ने गिफ्ट दिया है, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है उसने कुछ। ये क्या है? क्या है सैयद? खाला ही खोलेगी बेटा, उसका गिफ्ट है।
क्या लिखा है, क्या है ये, बनाना है तो बनाना है, क्या बनाना आज का डिनर सैमा खाला बनाएगी, आज का डिनर सैमा खाला बनाएगी। ये इतना इतना तैयार होने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद सही है ना, इतना तैयार होने के बाद सब कुछ आप करें ना, आप कोई बनाना है, आपके साथ प्रैंक हुआ, प्रैंक हुआ, आपने मेरा साथ नहीं दिया। ये देखो तो कैसा लगा प्रैंक, मजा आया, बहुत ही अजीब बकवास। इतना ये सब क्या कर दिया मम्मा ने, मुझसे खाना बनवाएंगी, आपने मेरे साथ नहीं दिया, सैमा खाला ने इतने अच्छे कपड़े पहने, बहुत मजा आया हम लोगों को तो, बहुत मजा आया ना, बहुत मजा आया, बहुत ऐसी कोट हो गया सैमा खाला, मेरा कोट हो गया, कर दिया को, यस। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इतने मजे की चीज, आज का खाना तुम ही बनाओगी फैज भाई की कसम, अब तो इनको बनाना ही पड़ेगा दीपा, तुम्हारा रेस्ट और मेरा रेस्ट, हाँ इतनी मेहनत की हम लोगों ने, ये बताओ कह दो सैमा खाला खाना नहीं बनाएंगी, मम्मा बनाने खिलाएंगी, कह दो बनाना पड़ेगा आज तो, कह दो आज तो बनाना ही पड़ेगा, आज तो बनाना ही पड़ेगा, अभी तक तैयार हुई बनाना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत ही भारी है। तो बस ये था हमारा प्रैंक जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, सैमा बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, उसको बहुत ही गंदा लगा क्योंकि उसको इतना गर्मी में तैयार होना पड़ा, अब उसको सबसे ज़्यादा उसकी सज़ा है कि उसको डिनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन पे ध्यान दें। हाँ तो बस आपको अगर हमारा प्रैंक अच्छा लगा, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और ये हम लोगों का अब तक का पहला प्रैंक था जो कि बहुत मेहनत लगी सबको हटाने में, छुपाने में, बच्चों से बचाने में, क्योंकि सैयदा को तो रट लगी थी प्रैंक की। तो बस इसी तरह कभी कभी हम लोग प्रैंक करते रहेंगे, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।